संत कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के ज्ञान मार्ग के प्रमुख संत कवि कबीरदास हैं। कबीर ने शिक्षा नहीं पाई, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृह से संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, गुरु भक्ति, सत्संग, आत्मबोध, जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही। कबीर के दोहे। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सत्य हमेशा महान होता है, संसार में सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं। उसी प्रकार झूठ या विद्या के बराबर पाप या बुरा काम नहीं, कारण बुरा काम करना पाप है। जिसके हृदय में सत्य का निवास है उसका हृदय निर्मल है, पाप रहित है। उसके निर्मल हृदय में भगवान विराजमान करते हैं, अर्थात सत्यवादी को भगवान के दर्शन मिलते हैं। वे महान होते हैं, तत्वदर्शी होते हैं। समाज सत्यवादी का आदर करते हैं, पापी का अनादर करते हैं। कबीरदास कहते हैं कि सत्य ही बात करना होगा। जो तो को कांटा बुबई ताहि बोई तू फूल, जो तो को कांटा बुबई ताहि बोई तू फूल। तो को फूल को फूल है बाको है त्रिशूल, तो को फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। अच्छे काम करने वाले को अच्छा फल मिलता है और बुरे काम करने वालों को बुरा फल मिलता है, अर्थात सभी को कर्म के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। जैसी करनी वैसी भरनी। कबीरदास कहते हैं कि जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है तुम उसके रास्ते पर फूल बिछा दो, अर्थात तुम उसकी बराई करो। इसका नतीजा यही होगा कि तुम्हारी अच्छाई से उन्हें अच्छा फल मिलेगा, उसकी बुराई के लिए उसको बुरा फल मिलेगा। मतलब हुआ कि अच्छा काम करो और अच्छा फल पाओ। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौगड़ा ऋतु आए फल होए, माली सींचे सौगड़ा ऋतु आए फल होए। कबीरदास का कहना है कि काम धीरे धीरे होता है, इसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। उदाहरण देकर कबीर कहते हैं कि माली के सौ गड़ा पानी सींचने पर भी किसी भी पेड़ में समय के पहले जल्दी से फल नहीं लग जाते, इसलिए ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वक्त के आने से ही पेड़ में फल लगते हैं। धन्यवाद।